हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। हूँ आपका दोस्त बंटी चौधरी, फिर से लेकर आया हूँ आपके सामने जीके एवं तर्क शक्ति से संबंधित प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भाई इसमें नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए कराया जा रहा है वो SSR नेवी एंड 88 से संबंधित क्वेश्चन पेपर है या प्रैक्टिस सेट है। चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। इसमें बोल रखा है छाया पथ क्या है। तो छाया पथ मतलब गैलेक्सी क्या होती है फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं जितने जो सौरमंडल होता है उसमें सारे जो भी ग्रह उपग्रह नक्षत्र वगैरह जो भी होते हैं सभी जिस गैलेक्सी में मतलब जिस सीमा के अंदर या जिसके अंदर आते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम गैलेक्सी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष में एक बृहत नक्षत्र पुंज। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सूर्य के नज़दीक शुक्र ग्रह फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है तब उसका लाल रंग होता है मिट्टी का फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, लोहा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पूछ रहा है विश्व का सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, वेंजुएला। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस राज्य की कुल भूमि के 90% भाग पर वन है, मतलब 90% भाग पर जंगल है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। नेक्स्ट देखिए, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन होता है फ्रेंड्स। तो नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, मेजर। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस महिला या पुरुष को खेल में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन। नेक्स्ट देखिए, भारत एवं पाक सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ था फ्रेंड्स। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने का लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र किस गवर्नर जनरल के समय में आया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारी जो इंडिया की जो थी जो पढ़ाई बोलते हैं वो हमारी जो शिक्षा थी उसका माध्यम मतलब मीडियम बोलते हैं, जैसे अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाता है। तो उस टाइम पे एक घोषणा पत्र आया था जो कि जब अंग्रेजी यहाँ पे शासन था तब यहाँ एक घोषणा पत्र आया था, उसमें ये कहा गया था कि हमारी जो पढ़ाई या शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी होना चाहिए। क्लियर, ये था। तो देखिए वो किसके शासनकाल में आया था फ्रेंड्स, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, लॉर्ड वेटिंग के शासनकाल में आया था, मतलब समय में आया था। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, इंडिया में। नेक्स्ट देखिए, भारत के अतिरिक्त किस देश की राजधानी का नाम दिल्ली है। देखिए हमारी दिल्ली है या दिल्ली है, तो कौन सी है फ्रेंड, कहाँ का है, ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी तिमोर। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है। तो किसको दिया जाएगा फ्रेंड्स, जो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, क्लाइव। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुला फ्रेंड्स फिर से आया आपके सामने, सॉरी किस देश में है, तो वेनेजुला में है फ्रेंड्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है, तो वेनेजुला में। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था फ्रेंड्स, तो 1971 में फ्रेंड्स। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, मतलब अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है फ्रेंड्स, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, सूडान। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं, काली मिट्टी की जुताई कम करनी पड़ती है क्यों, कारण बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं इसलिए इसकी जुताई कम करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टिहरी बांध किस राज्य में है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में है टिहरी बांध। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कौन सी जगह होता है, ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, अश्वांश कितने अंश भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है फ्रेंड्स, तो कितने अंश की मतलब डिग्री पर, कितनी डिग्री पर पाई जाती है, कितने से कितनी डिग्री के मध्य में पाई जाती है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, 30 से 35 के बीच में। नेक्स्ट देखिए,
उसे चुनिए जो तीन विकल्पों से भिन्न है। तो देखिए माता, दादाजी, पिता, पत्नी, तो हमें इनमें से चुनना है कि कौन सा इसमें से तीनों में से भिन्न है। फ्रेंड्स माता, पिता, पत्नी और दादाजी, तो इसमें से कौन सा भिन्न होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी ब्लड रिलेशन में आ जाते हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न शब्दों को प्राकृतिक क्रम में रखने पर अंतिम शब्द कौन सा होगा? सॉरी फ्रेंड्स, इसमें पूछ रखा जो हमारे पास जो शब्द दे रखे हैं इनमें से सबसे लास्ट में कौन सी चीज़ आएगी, मतलब प्राकृतिक क्रम में सबसे पहले क्या होता है? बीज होता है, उसके बाद क्या होता है? जड़ होती है, जड़ होंगी तभी तो आगे बढ़ेगा वो। तो फ्रेंड्स सबसे पूछ रहा है कि सबसे लास्ट में कौन सा होगा, तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट में होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फल होगा। फ्रेंड्स आप जानते हैं लास्ट में सबसे लास्ट में फल ही आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमें बताना है इसमें से कौन सा इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, तो आप ज़रा देखिए यहाँ पर समझिए। सी के बाद क्या आता है? डी, ई आता है, उसके बाद आ गया एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी आता है, एच आता है, उसके बाद आ गया यहाँ आई, तो आई के बाद क्या आता है? जे आता है, के आता है, अगला क्या आएगा? एल। तो फ्रेंड्स एल वाले दो हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ए को लेकर चलते हैं, ए के बाद क्या आता है? बी, सी, फिर आ गया डी, डी के बाद देखिए ई, एफ आता है, क्लियर, जी आ गया, जी के बाद एच आता है, आई आता है, आई के बाद क्या आएगा? जे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए प्रश्न की आकृति देखिए। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न आकृति ये है उत्तर आकृति, तो हमें छांटना है इनसे कौन सा बन सकता है, इनमें से कौन सा इनसे मतलब इनसे कौन सा आंसर मतलब इनमें से कौन से चित्र इनमें से बन सकता है, कौन सी आकृति इनमें से बन सकती है, ये हमें बताना है फ्रेंड्स। क्लियर? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए बन सकता है इससे, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे इसमें तीन ट्रायंगल दे रखे हैं, तो तीन ट्रायंगल दे रखे हैं, देखिए एक, दो, तीन, तो देखिए तीन इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो दो ही हैं। क्लियर? इसमें देखिए दो ये हैं, एक ये तीन, दो ये हैं, एक ये तीन, दो ये हैं, एक ये तीन, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसमें ये तीन हो गए, एक ये है और एक ये है, तो देखिए दो फ्रेंड्स दो क्या हैं इसमें? दो चतुर्भुज हैं, ओनली दो चतुर्भुज हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसमें दो चतुर्भुज हैं और तीन त्रिभुज हैं, इसकी मैच कर रही है पूरी तरह से। इसमें देख सकते हैं दो चतुर्भुज हैं और तीन त्रिभुज हैं, इसमें देखेंगे इसमें भी वही कंडीशन पूरी पूरी है हमारे पास। तो अब ये देखना हमें आकृति कैसे बनी हुई है। क्लियर? तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने एक आकृति दिखा रखी है, इसमें पूछ रहा है कि इसे मोड़ करके अंदर कागज है, कागज को फोल्ड करके किस तरीके से बनाया गया होगा कि इसमें इस तरीके के हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, आप देख सकते हैं इसमें अगर यूँ करके खींचते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसमें एक एक में क्या आ रहे हैं, दो बन रहे हैं हमारे पास, क्लियर, दो बन रहे हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है इसे यूँ करके हमने फोल्ड किया होगा, मतलब इस तरीके से फोल्ड किया होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप समझोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे आपके सामने बहुत ही जल्द अगला प्रैक्टिस सेट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।